आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं तेलंगाना स्टार न्यूज। वोटों से हारा मैं, 2014 में 50,000 वोट आए और आज फिर 2018 आपके सामने आ चुका हूं। जी थी ना, मेरा एक ऑपरेटर था, मगर मैं मेरे घर के पास से मेरे ऑफिस पे जब भी कोई आया, मैं आज तक अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मेरे वालदा और मेरे वालद की कसम खा के बोलो, मैं ये लगी जब तक मेरी आखिरी सांस रहेंगी और खून का आखिरी टिपका रहेगा, नारा है डेवलपमेंट। मैं कोई भी सामने वाली जमात को कुछ बोलना पसंद नहीं करता, क्योंकि उन्हें कुछ बोलेंगे मैं कुछ बोलूंगा, इसमें आपका तो फायदा नहीं होगा, सिर्फ कानों को अच्छा दिखेगा। मर घर से जो मुफलिसी, जो गरीबी, वो नहीं निकल पाएंगी। मैं मुद्दों पे आता हूं आपके पास। आज जब मैं दो चार दिन से आपके पास पैदल दौरा कर रहा हूं, तो हर एक छोटा से छोटा प्रॉब्लम है आपके पास। आपके रोडों की हालत देखिए, ड्रेनेज की हालत देखिए। कई लोग मुझे ये बात बोल रहे हैं, ये पानी बहते रहता साल के 65 दिन, 365 दिन, हम नमाज किस तरह से पढ़ेंगे? यहाँ पे बच्चे ये पानी में खेलते, ये हाल स्पोर्ट्स में देखेंगे, एक ग्राउंड नहीं है। और मैं देख रहा हूं नामपली में जब मैं फिर के, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, और यहाँ पे राउडिज्म है। यहाँ पे बच्चे ड्रग्स ले रहे, गांजा, अफीम, वाइटल, ये तमाम लेके आने वाले नस्ल खराब हो रही। रत्ती बराबर भी डेवलपमेंट नहीं है आपके पास। कई औरत खवातीन मेरे को बोले, हमारे से साइना लिए डबल बेडरूम दिलाते बोल के। मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी को लोन मार कास्ट सर्टिफिकेट है तो एमआर ऑफिस रिश्वत, पुलिस स्टेशन रिश्वत, घर बनाना एक सजा है। बाउंड्री गली जब से गेट से लेके छत तक रिश्वत, मकबरी, लोगों को डराना, नाजायज पैसे खाना, एक को मदद नहीं करना, ये है हाल नामपल्ली का। मैं ये हाल जानता हूं, मुकम्मल नहीं हुई, उसके लिए पूरे स्टेट में कांग्रेस हुकूमत आने वाली है। कांग्रेस हुकूमत आने वाली है और अल्लाह और रसूल के सदके में, मेरे माँ बाप के दुआओं से, आपके दुआओं में मैं आपका एमएलए बन जाऊंगा, तो मैं ज्यादा से ज्यादा फंड लाके आपके नामपल्ली, साबेर नगर, अली नगर, मुरादनगर को डेवलप करूंगा। आप याद रखिए भाइयों, आपका एरिया डेवलप करना है तो पैसा होना। जो जीती चुनाव उसके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है। मैनिफेस्टो का मतलब चुनाव से पहले एक पार्टी कुछ वादे करती आवाम के सामने, और उसके बाद अगर से वो वादे मुकम्मल नहीं होते तो वो चुनाव हार जाती। मगर आज जो भी पार्टी एमआईएम पार्टी आपके सामने है, उसके पास मैनिफेस्टो नहीं है। मैं जो पार्टी से आ रहा हूं, आज आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो बताऊंगा, खुद का जाती मैनिफेस्टो, तरक्की, आपका डेवलपमेंट मैं भी आपको बताऊंगा। मेरा जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, हमारी पार्टी का, 1 लाख गवर्नमेंट के नौकरियां खाली है, हम 1 लाख नौकरियां हमारे यूथ को दिलाएंगे। जो डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये तमाम लड़के जो भी करके आज बेरोजगार है, ऐसे बेरोजगार 10 लाख बच्चों को जब तक नौकरी दिए 3,000 रुपए देंगे हर महीना, 3,000 रुपए। आप राशन की दुकान में जा रहे और साथ साथ हम साबुन भी देंगे। जिसके पास कुछ हुनर है और वो तिजारत करना चाहते, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हम उसको 2 लाख से 6 लाख तक उधार देंगे, लोन देंगे हम।